ओके अब बात करते हैं इस वीडियो की चौथी हेयर स्टाइल के बारे में। एंड ये चौथी हेयर स्टाइल उन लोगों के लिए जिनको अपने बालों में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी। और मेरे भाइयों के क्या हाल चाल, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 8 बेस्ट हेयर स्टाइल्स फॉर लॉन्ग ग्रोन आउट हेयर्स। जो लॉकडाउन के अंदर तुमने अपने घर में बैठ के घोंसला उगाया ना अपने सर के ऊपर, हाँ उसी घोंसले की बात कर रहा हूँ मैं। उस घोंसले के लिए 8 सबसे कमाल के हेयर स्टाइल्स बताने वाला हूँ। जैसे जैसे लिफ्ट आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हेयर की लेंथ भी बढ़ती जाएगी। तो वीडियो को प्लीज यार एंड तक देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम है गौरव शर्मा एंड यू आर वॉचिंग एट रेट ग्रूमियंस। लेट्स वॉच द वीडियो गाइस। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट हेयर स्टाइल ऑन आवर लेफ्ट, दैट इज टॉप नॉट या फिर अंडरकट मैन बन हेयर स्टाइल। ये सबसे बढ़िया हेयर स्टाइल लगती है मुझे दोनों ही। एंड आजकल मैं भी इसको काफ़ी ज़्यादा कैरी कर रहा हूँ। इनफैक्ट आने वाले कुछ वीडियोज़ के अंदर तुम शायद मुझे इन्हीं हेयर स्टाइल में वीडियो बनाते देखोगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसका ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल रखा है, जल्दी से आगे सारे ट्यूटोरियल को देख लो। हाउ टू स्टाइल अ मैन बन, बेस्ट हेयर स्टाइल लगती है मुझे, काफ़ी ज़्यादा ईजी टू स्टाइल है एंड काफ़ी कम समय में बन जाएगी। अगर तुम दूसरे हेयर स्टाइल के बारे में, स्लिक बैक हेयर स्टाइल, देखो अगर तुम्हारे बालों के लिए इतनी ज़्यादा कुछ खास लंबी नहीं है तो उसको है ना स्लिक बैक हेयर स्टाइल में रॉक कर लो। सारे हैं बालों की इधर से भी सब जगह से भी स्लिक बैक हेयर स्टाइल में रॉक करो यार। चलिए इसका भी ट्यूटोरियल आ जाएगा इस चैनल के ऊपर, तो उसके लिए मेरे चैनल में सब्सक्राइब करना पड़ेगा यार, जाके सब्सक्राइब बटन को दबा दो एंड वीडियो को अभी लाइक कर दो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो। यार कैसे बदतमीज़ यार तुम लोग, लाइक ही नहीं करते यार। ओके वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड अब बात करते हैं इस वीडियो की तीसरी हेयर स्टाइल के बारे में, डैट इज साइड स्वैप हेयर स्टाइल। इतनी क्यों करके आ रही है साइड स्वैप हेयर स्टाइल? देखो साइड स्वैप हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा फंकी से हेयर स्टाइल है एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा ईजी टू स्टाइल है एंड काफ़ी कम समय में बन जाएगी। इसका ट्यूटोरियल तुम्हें देखना है तो मैंने इस वाली वीडियो के अंदर बना रखा है, इसको जाके देख लो, काफ़ी कमाल की वीडियो थी। ओके अब बात करते हैं इस वीडियो की चौथी हेयर स्टाइल के बारे में। एंड ये चौथी हेयर स्टाइल उन लोगों के लिए जिनको अपने बालों में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी। मैं बात कर रहा हूँ मैसिव फ्रेंच हेयर स्टाइल के बारे में। कुछ नहीं करना, अपने बाल आगे की तरफ ऐसे पटक लेना हो गया। अब मेरे बाल इतने अच्छे लगेंगे नहीं ये हेयर स्टाइल को कैरी करते करते, लेकिन अगर तुम्हारे बाल थोड़े से थिक है या फिर थिन हेयर भी है ना तो आराम से तुम इस हेयर स्टाइल को कैरी कर सकते हो, काफ़ी अच्छी लगेगी। लेकिन मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं है क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, मेरे माथे में बाल आ रहे आँखों में कुछ जाएंगे। अगर तुम्हारी हेयर की लेंथ यहाँ तक आती है, आईब्रोज तक आती है, दैन दिस इज द परफेक्ट हेयर स्टाइल फॉर यू। अगर तुम अपने बाल ख्याल करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, अपने बालों को आगे तरफ कर लो, बेस्ट हो। ओके वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अब बात करते हैं इस वीडियो की पांचवी हेयर स्टाइल के बारे में। यानी पांचवी हेयर स्टाइल ये है एक जुगाड़ जो कि मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हेयर बैंड के बारे में, मैंस हेयर बैंड के बारे में, कुछ ये वाला। हाँ इस वाले हेयर बैंड को मैं अपने माथे पर लगा लेता हूँ एंड बस हो गया। एंड इतनी ज़्यादा ईजी टू स्टाइल है, ईजी टू स्टाइल क्या है इसमें, बस अपने माथे पर हेयर बैंड लगा लिया, काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड जब तुम इसको उतारोगे तुम्हारे बाल में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम भी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसको तुम ऐसे भी कैरी कर सकते हो, मैं कई बार ऐसे ही पहन के चल जाता हूँ, इसको निकल जाता हूँ, ठीक है। एंड कोई मुझे कुछ बोलता भी नहीं है, तो सही है यार, इसको लगा लो, काफ़ी अच्छा जुगाड़ है तुम्हारे लिए, मेरे लिए भी। बात करते हैं इस वीडियो के सिक्स हेयर स्टाइल के बारे में, डेट इज मिड पार्ट हेयर स्टाइल। ऑल द मिड पार्ट हेयर स्टाइल काफ़ी क्लासिक, लाइक ऑल टाइम क्लासिक हेयर स्टाइल है एंड मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन यार ये हेयर स्टाइल मेरे पे इतनी अच्छी लगेगी नहीं क्योंकि यार मेरे तो मेरा थोड़ा सा फेस ब्रॉड है, ठीक है। अगर तुम्हारा ऊप या कैसे बोलूँगा ऊप लॉन्ग फेस शेप है ना तो तुम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। एंड या फिर तुम्हारी स्ट्रक्चर जॉ लाइन है, मिड पार्ट हेयर स्टाइल तुम्हें काफ़ी सही लगेगी। ट्राई करके एक बार देखने में क्या ही जा रहा है, ट्राई जरूर कर लेना, वरना तुम स्वाइड स्वैप हेयर स्टाइल को कैरी कर सकते हो, वो भी काफ़ी सही लगती है। सेवन्थ हेयर स्टाइल ऑन अ लेफ्ट इज अंडरकट। अब अंडरकट मतलब बाल क्या करना है, अपने बाल बढ़ाओ, अपने ऊपर बाल बढ़ा लिया एंड अपने साइड के बाल कटा लो। अंडरकट इज द बेस्ट हेयर स्टाइल। मैं इंस्पिरेशन क्या ले लेता हूँ, तुम असद अंसारी जी की पुरानी हेयर स्टाइल को तुम देख सकते हो, इस वाली हेयर स्टाइल की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर तुम ले सकते हो अभिनव महाजन जी की ये वाली हेयर स्टाइल, अंडर कट हेयर स्टाइल, ये वाली भी काफ़ी सही लगती है, इसको भी तुम ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं इस वीडियो की आठवीं हेयर स्टाइल के बारे में, डैट इज फुल बन हेयर स्टाइल। ओके अभी उन लोग ले जिन्हें अपने साइड के बाल भी ग्रो कर लिए, अपने ऊपर के बाल भी ग्रो कर लिया एंड उसको प्लस पीछे ले ऐसे बांध लो, लेकिन मेरा भी इतने बाल लंबे हुए नहीं, मेरे साइड के बाल छोटे ही हैं यार अभी भी, ठीक है। उनको भी लंबा करूंगा मैं कभी, अभी तो नहीं लेकिन कभी तो लंबा करेंगे, ठीक है। तो इस वाली हेयर स्टाइल को तुम आराम से कैरी कर सकते हो, मैं बात नहीं कैसे रखूंगा अभी, तो इस वाली हेयर स्टाइल को तुम आराम से कैरी कर सकते हो, काफ़ी सही हेयर स्टाइल है, फुल बन हेयर स्टाइल, बहुत बढ़िया हेयर स्टाइल है, कैरी कर सकते हो एंड इसको बियर्ड के साथ कैरी करना, बहुत अच्छे लगोगे। ये वीडियो अगर तुम्हें पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अगर कुछ नया सीखे हो तो कमेंट छोड़ के ही जाना एंड चाहो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ रिलेटेड टू हेयर। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं,